ई एजुकेशन ई शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेल स्प्रिट शीट के अंतर्गत एक्सेल में कैसे सेल को फॉर्मेटिंग की जा सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखा था कि एक्सेल के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मेन्यू होते हैं और उसका इंटरफेस के बारे में जाना था। तो सेल फॉर्मेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि आपके इंटायर स्क्रीन में ये छोटे छोटे ये सेल हैं, इन्हें हम सेल बोलते हैं। तो हम जब कोई भी डेटा बनाते हैं तो ये सेल एक्सेल इसको पहचानता है कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो सपोज़ हम यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं किसी के नेम लिख देते हैं, हम नेम हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हम उसकी एज लिख देते हैं और यहाँ पे हमने नेम लिख दिया जैसे रवि, उसकी एज हमने लिख दिया 56। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने नेम लिखा और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम के नीचे रवि, और ये अलाइनमेंट देखेंगे तो ये आप दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है, और जो आप नंबर देख रहे हैं ये जो रवि यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और जो नंबर है आपके राइट अलाइनमेंट आ रहा है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमारा एक्सेल होता है सॉफ्टवेयर, वो पहचान लेता है कि ये आपका नंबर है और ये आपका जर्नल या करेक्टर है, ये आपका इसे करेक्टर है और ये नंबर है, इसलिए उसने नंबर को यहाँ कर दिया ताकि इसको बाद में हम आसानी से ऐड कर सकें, फॉर्मूला लगा सकें। अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, करेक्टर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस पर फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, इसको हम जोड़ नहीं सकते। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है कि इसको नंबर को पहचान के उसको पहले से ही आपका राइट अलाइनमेंट वो कर देता है। तो सेल फॉर्मेटिंग आज हम सीखेंगे कि इस सेल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है। सबसे पहले हम जैसे आपने देखा कि यहाँ पे नेम और एज है, तो हम इसको यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग का सेक्शन दिया हुआ है इसमें हम बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा हमने बोल्ड कर लिया, यहाँ से हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 14 कर लिया। यहाँ पर रवि है, इसको भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रवि हम इसको भी थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं इतना, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे और इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लू, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन कलर। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी। अब जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पर जो इसमें ये सेल का जो फॉर्मेट होता है, इसका अपना एक एड्रेस होता है, हर सेल का अपना एक एड्रेस है। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये बता रहा है 5 और C, तो इसका एड्रेस हो गया हमारा C5। तो ये सेल जो हमारा है ये C5 है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा हो जाएगा B5। यहाँ पे ऐसी एज है, इसको बोलेंगे हम C4। तो हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो एक्सेल के अंदर होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 56, हम चाहे तो इसको यहाँ से अलाइनमेंट करके इसको यहाँ भी ला सकते हैं, लेफ्ट भी ला सकते हैं, इसको सेंटर में भी रख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट ये राइट में होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नेम किनारे पे आ रखा है लेफ्ट साइड में और ये अलग है, हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर गए हम, इसको सेंटर में किया तो आप देखेंगे यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है कि नेम हमने यहाँ पे लिखा रवि लिख दिया, यहाँ पे जैसे हम एक और नाम लिख देते हैं कविता, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे इसके 41 इसकी एज है। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग है और ये अलग है। फिर इसको हम यहाँ से, अगर आप देख रहे हैं कि हमारा ये अलग फॉर्मेट हो रखा है यहाँ पर और यहाँ पे अलग है, तो आप इसको इसका सेम अगर आपको बनाना है, इसका साइज़ भी बड़ा है, इसका साइज़ पतला है फॉन्ट का, तो आप अगर आपको यहाँ पे चेंज करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे जाइए। ये देखिए ये फॉर्मेट पेंटर में प्लस और ब्रूस का चिन्ह बन गया, इसको क्लिक कर दीजिए तो देखिए आप सेम उसी फॉर्मेट में ये आ गया है। ऐसे आप चाहते हैं कि ये भी मेरा सेम फॉर्मेट में है, इस पर क्लिक करिए, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाइए और जैसे आपका ये ऑप्शन आएगा प्लस और ब्रूस, इसको क्लिक कर दीजिए और देखो सेम फॉर्मेट हो गया। अब इस सेल का हमें इस्तेमाल करना है तो नंबर को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं।
और इसको जो इसकी फॉर्मेट होता है यहाँ पे, इसको हम राइट क्लिक करके, आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसमें ये जो फॉर्मेट सेल है यहाँ से भी कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन भी दिया हुआ है तो, और यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी, और यहाँ पे फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, विड्थ हाइट दे रखा है, रीनेम कर सकते हैं हम, टैब कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं इसकी, और इस कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ से भी हम कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह आप देख रहे हैं कॉलम की विड्थ बढ़ रही है, ये कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई कॉलम छूट गया है तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे तो इसके बीच में आप दोबारा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो चीज़ छूट गई है तो इसको हम बैक चले जाते हैं। और अगर आपको कॉलम, आपको लग रहा है इन दो कॉलम के बीच में कुछ है तो यहाँ पे फाइव पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का कॉलम ब्लैंक हो गया, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। तो ये था इंसर्ट, रो और कॉलम भी कर सकते हैं हम अपने टेबल में। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ से भी इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, फॉर्मेट का ऑप्शन दे रखा है, सेल स्टाइल दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं। और ये जो हमारे पास नंबर है, जो मैंने बताया था ये नंबर है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास जो मैंने राइट क्लिक करा था वो यहाँ से भी हमारे सारे फंक्शन खुल रहे हैं। ये देखिए आप, सारे फंक्शन हमारे यहाँ से खुल रहे हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को हमें 56 फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, हम चाहते हैं नंबर की जगह इसको हमें करेंसी में देना है, तो जर्नली क्या होता है कि एक्सेल इसको किसी भी नंबर को पहले जर्नली लेता है। अगर आप चाहते हैं करेंसी में करना हो तो करेंसी क्लिक करेंगे तो ये डॉलर बता रहा है, डॉलर अगर सिंबल डॉलर है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से हर देश का सिंबल आ जाएगा, यहाँ से इंडियन रुपीज़ का सिंबल भी यहाँ पे आ जाएगा जैसे आप चाहेंगे। तो जैसे हमने डॉलर किया, डेसिमल टू प्लेसेस कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर का चिन्ह आ गया है और दशमलव के बाद दो जीरो लग गए हैं, तो ये हमारा करेंसी में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर राइट क्लिक करिए, फिर फॉर्मेट सेल में जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे डेट, जैसे आप डेट को क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस प्रकार का फॉर्मेट आपको चाहिए। बहुत सारे किस्म के फॉर्मेट है इसमें डेट के, जिस प्रकार का आपको चाहिए वो आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला फॉर्मेट ले लिया 3/14/12 और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट आ गया, ये 25 तारीख हो गई और दो मंथ हो गया और यहाँ पे 1900 आ गया। अब इसको यहाँ से 2021 कर सकते हैं, 2021 तो 25 तारीख, दूसरा महीना फरवरी और 2021, तो इस प्रकार हम डेट फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे दोबारा, आप ये वाला ले सकते हैं, इसको मार्च वाला या इस प्रकार वाला कोई भी ले सकते हैं और इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए 25 फरवरी 21, फरवरी 25 तारीख, फरवरी महीना और 2021 वर्ष। इस प्रकार आप एज, मतलब आप महीने को भी यहाँ पर, मतलब आप ईयर को भी यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा वाला ले लेते हैं, इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना हो टाइम के अनुसार, टाइम इस समय क्या चल रहा है वो वाला टाइम हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे 1:30 PM ओके कर दिया हमने, तो आप देखेंगे इस समय 12 बज रहे हैं तो 12 आ जाएगा। आप इसे टाइम को चेंज कर सकते हो, यहाँ से 12 की जगह आपको 5 करना है तो 5 AM आ जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो हम सबसे पहले इसमें नंबर डालते हैं तो उसको वो जनरली लेता है, लेकिन आप अपनी डेटाबेस के अनुसार किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ऐसी परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक, इसको टेक्स्ट में भी बदला जा सकता है। यहाँ पे टेक्स्ट है
टैक्स को जैसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये टैक्स बदल चुका है। अब इसमें फॉर्मूला कमांड काम नहीं करेगी, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टैक्स हो चुका है। तो इसको हमें फिर किस में करना होगा, जर्नल में करना होगा। तो इसको हम दोबारा फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको हम जर्नल या नंबर में कर देंगे। तो नंबर में भी हम करेंगे, तो आप देखिए नंबर में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम नंबर पे कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे डेसिमल देख रहे हैं, डेसिमल टू प्लेसेस है। अगर आप इसको यहाँ पे जीरो कर देंगे तो राउंड फिगर में लेगा ये, ओके करते ही ये राउंड फिगर में आ गया। इसको भी हम राउंड फिगर में कर लेते हैं फॉर्मेट सेल, और इसको भी हम राउंड फिगर में कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमारे दोनों सेल अब राउंड फिगर में हो गए। अगर 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, तो उसको राउंड फिगर कर देगा ये अपने आप, ये भी उसको राउंड फिगर कर देगा। लेकिन अगर आप राउंड फिगर में नहीं चाहते, डेसिमल में चाहते हैं, तो फिर आपको इसको फॉर्मेट करना होगा। दोबारा फॉर्मेट में जाके आप चाहते हैं दो डेसिमल प्लेसेस में रखना या थ्री में रखना, तो अब यहाँ से इसको तीन में रख सकते हैं, 0.003। ऐसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो कमांड दे रखी है यहाँ पे, ये जो नंबर दे रखा है आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जर्नल है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे करेंसी है, यहाँ पे अकाउंटिंग है, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, परसेंटेज दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, साइंटिफिक दे रखा है, ABC। तो ये फॉर्मेटिंग सेल है, इसका भी हम प्रयोग फॉर्मेटिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारे दे रखे हैं, यूरो दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको रुपीज़ निकालना है तो और आपको यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। ऐसी परसेंटेज है यहाँ पे दिया हुआ, ये दशमलव में दे रखा है, पॉइंट में। तो ये कई सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, नंबर्स की सेल की फॉर्मेटिंग है ये सारी। और इसको हम राइट क्लिक करके भी माउस से सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये फॉर्मेट सेल है। तो आज के जो वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हम किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल का एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया, फॉर्मर पेंटर के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कमांड था कि सेल, क्योंकि एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी में सारा के सारा कार्य होता है। और इसको हम बोलेंगे शीट 1, और शीट 2, शीट 3, इनके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आगे इसको हम कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, वो हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।